पानी में जाकर हमें डूबना है, दफन होना है। छींटे में कोई नहीं डूबता है, और जब हम डूब जाते हैं तो इसका मतलब हम यीशु मसीह में क्या हो गए, हम मर गए। और जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हम यीशु मसीह में जी उठे हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। आज हम बात करेंगे बपतिस्मे के बारे में। वैसे तो बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे विषय हैं जिस पर जो है हर एक मनुष्य जो है, बहुत से लोग जो हैं खासतौर से पादरी और प्रचारकों के बीच में बड़े मतभेद होते हैं, वाद विवाद होते रहते हैं। परंतु बपतिस्मा भी एक ऐसा विषय है कि जिसके बीच में जो है जो पादरी प्रचारक या कलीसिया के लोग हैं वो बहुत से मतभेद होते रहते हैं। बपतिस्मे को लेकर बहुत से मतभेद हैं, बहुत से लोगों के अपने अपने विचार हैं और बहुत बड़े बड़े वाद विवाद जो हैं बपतिस्मे को लेकर जो है वो हो जाते हैं। मगर मैं बपतिस्मा के बारे में बात करने से पहले एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि बपतिस्मा जो है, बहुत से चर्च के लोगों ने जो है बपतिस्मे को मेंबरशिप बना रखा है। बपतिस्मा जो है वो मेंबरशिप नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और अब हम जो बातचीत करेंगे कि वाद विवाद आखिर होते क्यों हैं, कि क्यों वाद विवाद होता है बपतिस्मे पर, कोई कहे और क्या वाद विवाद होता है। सबसे पहली बात, क्या वाद विवाद होता है? कोई कहता है कि डुबकी का बपतिस्मा है, कोई कहता है कि छींटे का बपतिस्मा है, कोई कहता है बच्चों का बपतिस्मा है, कोई कहता है बड़ों का बपतिस्मा है, कोई कहता है कि साहब झंडे के नीचे से निकल जाइए, कोई कहता है कि बुरे कामों को छोड़ दीजिए, बपतिस्मा जरूरी नहीं है। बहुत सी चीजें जो हैं इसके बारे में लोग वाद विवाद करते रहते हैं बपतिस्मे के बारे में। और जब ये इन वाद विवादों से इनका परिणाम क्या होता है, आप जानते क्या परिणाम होता है? जो परमेश्वर की जो भेड़े हैं वो कंफ्यूज रहती हैं कि आखिर सही कौन है, सही क्या है। और इस कंफ्यूजन में जो है बहुत सी भेड़े जो है बपतिस्मा लेती नहीं है। यार किसके पास जाए, कोई ये बताता है, कोई कहता है यीशु मसीह के नाम का लो, कोई कहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लो, कोई कहता है डुबकी का लो, कोई कहता है चीटे का लो, कोई कहता है बच्चों का नहीं होगा, कोई कहता है बड़ों का होगा, कोई कहता है बच्चों का होगा। यानी क्या कहां जाए हैं? अरे इससे अच्छा तो यार हम बिना बपतिस्मे के सही है। ये ऐसी बहुत सी चीजें जो है वो हमारे जीवन में जो है वो देखने को मिलती है। और ये दोष जो है भेड़ों का नहीं है, ये दोष उन लोगों का है खास तौर से जो धर्म के ठेकेदार हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं के मालिक हैं, पादरी हैं, अपने आप को पादरी बना बैठे हैं और बहुत ज्ञानवान बन बैठे हैं। अरे भाई ठीक है, आप भी पादरी, मैं भी पादरी हूं, हम लोग परफेक्ट नहीं है, हमें एक दूसरे के साथ सीखना है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सब बच्चे का बपतिस्मा नहीं होना चाहिए तो आप बताएं जो बच्चे का बपतिस्मा दे रहे हैं, और यदि बच्चे का बपतिस्मा है तो आप सिखाएं कि बच्चे का बपतिस्मा कैसा है। डुबकी का बपतिस्मा नहीं है तो आप बताएं क्यों नहीं है, अगर डुबकी का है तो आप बताएं कि कैसे है डुबकी का। हम एक दूसरे को सीखें और जो सही चीज है परमेश्वर के वचन में उसको फॉलो करें एक साथ मिलकर, तब ये कंफ्यूजन, ये वाद विवाद और जो परमेश्वर की भेड़ों को हम लोग भटका रहे हैं उनका भटकना जो है वो समाप्त हो जाएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। होशे 4 अध्याय उसका 6 पद है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। अब ध्यान देना, परमेश्वर का वचन जो है ये किसके विरोध में बात कर रहा है? परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर के जो सेवक हैं, जो प्रचारक हैं, पादरी हैं, बिशप हैं, जो पोप हैं, जो भी लोग हैं, सभी की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक की नहीं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बहुत बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर उनके विरोध में बात कर रहा है कि मेरी ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई, नष्ट हो गई। क्यों ज्ञान नष्ट हो गया? भाई ज्ञान तो हमारे पास है, परमेश्वर का वचन तो है, वचन सबके पास है, मगर उसी एक वचन के द्वारा जो है हम कंफ्यूजन पैदा करे बैठे हैं, वाद विवाद के द्वारा जो है जो वातावरण इतना दूषित कर दिया है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की भेड़े हैं, उनका आत्मिक जीवन बढ़ ही नहीं रहा, नष्ट होता जा रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं बदला ले लूंगा इस बात का।
मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे याजक जो है तुझे ठहराऊंगा नहीं। क्या लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, क्या कहता है कि स्वर्ग ज्ञान अर्थात परमेश्वर का जो ज्ञान है वो क्या है। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार और कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। सबसे बड़ी बात, अगर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास है और हमें परमेश्वर ने अपने ज्ञान से भरा है, तो हमारे अंदर परमेश्वर के मेल मिलाप की बातें दिखाई देंगी। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कपट नहीं होगा, कोई दोष लगाने वाली बात नहीं होगी, किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होगा। बात को हम, अगर परमेश्वर का ज्ञान है तो परमेश्वर के उस ज्ञान को हम एक दूसरे के साथ सीखेंगे। अगर मैं कहता हूं मेरे पास परमेश्वर का ज्ञान है, आप कहते हैं आपके पास भी परमेश्वर का ज्ञान है, तो हम लोग मेल मिलाप के साथ एक उस ज्ञान को आपस में बांटेंगे, ना कि वाद विवाद करेंगे, ना कि लड़ाई झगड़े करेंगे, ना कि ये कहेंगे कि वो पादरी गलत है और हम सही हैं, वो गलत है हम सही हैं, उसके चर्च में मत जाना, उसकी मत सुनना, उससे कुछ मत बात करना, वो गलत शिक्षा देता है। आप कौन होते हैं, आप कैसे कह रहे हैं। यही तो चीजें हैं, जब परमेश्वर की भेड़े जो देखती हैं इन चीजों को तो वो भटक जाती है। सबसे पहली बात, 32वें का ज्ञान क्या। चलिए हम जब ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान के ना होने से परमेश्वर को बहुत सा ज्ञान है, बहुत सी बातें हैं जैसा मैंने शुरू में कहा। अब हम यहां 32वें की बात करें तो 32वें का ज्ञान के बारे में हम बातचीत करेंगे कि 32वें का ज्ञान क्या है, इस भेद को समझें और सीखें और फिर 32वें लेने का प्रयास करें और देने का भी। पहली चीज, सब कुछ एक है, पहले इस बात को समझ लें। पहला कुरंतियों 12 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक है। बड़ा ध्यान करें, बहुत से लोग अपने वरदानों पे गर्व करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अरे आपको ये पादी साहब आपको ये वरदान मिला, मैं कहता नहीं मेरे पास ये नहीं है। अच्छा तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, भाई आप कैसे करें मुझे अगर ये वरदान नहीं मिला तो दूसरा वरदान तो है मेरे पास, मैं दूसरे वरदान से पहचाना जाता हूं। परमेश्वर ने मुझे कुछ और वरदान, क्योंकि वरदान तो कई प्रकार के हैं ना, एक प्रकार का नहीं है, परंतु आत्मा एक है। जो आत्मा आपको, जिस आत्मा ने आपको अगर कोई और वरदान दिया तो मुझे कोई और दिया है, आपको कुछ वरदान दिया मुझे कुछ दिया है, उसी आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के आत्मा ने। हम इस बात को समझें। और क्या है देखिए, अब एक चीज है, इफिसियों 4 अध्याय उसका 5 और 6 पद बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बत्तीसवां है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। अब यहां पर सब कुछ एक है, हमारा विश्वास भी एक है, कौन, प्रभु यीशु मसीह, ठीक है, हमारा परमेश्वर भी एक है, और लिखा हुआ है सब कुछ एक है, हमारा प्रभु भी जो प्रभु यीशु मसीह है वो भी एक है, वो अलग अलग नहीं है, हमारा पिता भी एक है। और लिखा है यहां पर विशेष तौर से किसी और चीज की चर्चा नहीं हुई है, किसी और विषय की चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ 32वें की चर्चा हुई है कि 32वां भी एक है। और हमने क्या कर रखा है, हम लोगों ने कई प्रकार के 32वें कर रखे हैं, कई प्रकार के जो है 32वें, एक ही 32वां है। जब एक ही 32वां है तो फिर हम अलग अलग 32वें की बात क्यों। हां 32वें कई प्रकार के हैं, परंतु पानी का 32वां वो एक है, पवित्र आत्मा का 32वां एक है, आग का 32वां एक है, मृत्यु का 32वां जो है वो एक है। ये 4 प्रकार के 32वें, मैं आपको बता देना चाहता हूं। पानी के 32वें के बारे में बहुत से रेफरेंस है, परंतु आप पढ़ सकते हैं मत्ती 3:11 और प्रेरितों के काम 8:36 जब आप पढ़ेंगे, वहां पानी की सही डिटेल जो दी है वो बता रहा हूं। पानी का 32वां, की पानी में उतरे और पानी में उन्होंने 32वां लिया है, इसकी आगे व्याख्या करेंगे। दूसरा है पवित्र आत्मा का 32वां, मत्ती 3:11, लूका 3:16, प्रेरितों का काम 1:5, मरकुश 1:8, यूहन्ना 1:33 जब आप पढ़ेंगे वहां पवित्र आत्मा के 32वें की चर्चा की गई है। आग का 32वां, जब मत्ती 3:11 लूका 3:16 पढ़ेंगे तो वहां पर आग के 32वें की चर्चा की गई है। मृत्यु का 32वां, लूका 12:50, मरकुश 10:39-48 तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर मृत्यु के 32वें की है। ये 4 प्रकार के 32वें हैं, परंतु ये चारों प्रकार के 32वें जो हैं वो एक ही हैं, अलग अलग जो हैं वो नहीं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखें।
और इसके विषय में जरा हम सीखे पानी, हम बात करेंगे सबसे पहले पानी के बत्तीसवें की। बत्तीसवें का पहले हम ये मान लें कि बत्तीसवें का अर्थ क्या है। बत्तीसवें देखिए, हम दोनों तरीके से परमेश्वर के वचन से बत्तीसवें के अर्थ को सीखेंगे, संसारिक तौर से भी और आत्मिक तौर से भी। यहां पर जो है, जब हम हिस्ट्री को देखेंगे, यूनानी शब्द बैप्टिजो से जो है ये शब्द निकल कर आया है, जिसका अर्थ होता है डूबना, डुबकी लगाना या डुबो देना। बत्तीसवां जो शब्द निकल कर आया है ये यूनानी शब्द बैप्टिजो से निकल कर आया है। अब हम बाइबल के आधार पर जो है बत्तीसवें का अर्थ सीखेंगे। हम जब परमेश्वर के वचन के आधार पर जब बत्तीसवें का अर्थ सीखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान करना। रोमियो 6:3-4 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बत्तीसवां लिया, उसकी मृत्यु का बत्तीसवां लिया, अतः उस मृत्यु का बत्तीसवां पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। अब देखिए, इसके बारे में और क्लियर से हम पढ़ेंगे कुलुसियों 2:12 पद, और उसी के साथ बत्तीसवें में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके उसको मरे हुओं में से जिलाया कि उसके साथ जी उठे। यहां पर बत्तीसवें का, चाहे आप यूनानी शब्द को ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, यानी दफन होना है, डूबना है। और एक जो है छींटे में कोई नहीं डूबता है, यानी पानी में जाकर हमें डूबना है, दफन होना है। और जब हम डूब जाते हैं तो इसका मतलब हम यीशु मसीह में क्या हो गए, हम मर गए। और जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हम यीशु मसीह में जी उठे हैं। यहां बत्तीसवें का जो अर्थ है कि हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए और परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके हम जी उठे, क्योंकि हमारे पास नया जीवन हो गया, हमारे हम जो है यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गए हैं, हमारा जो है पाप यीशु मसीह में धुल गए, वो दफन हो गए वहीं पे। अब हम जो पानी से ऊपर बाहर आए हैं निकलकर, यानी हम जो है यीशु मसीह के समान जो है, जैसे वो कब्र में से बाहर निकल कर आ गया और जीवित हुआ, और जीवित होकर वो कब्र में से बाहर निकला, ऐसे ही हम भी जब पानी में से बाहर आते तो हम जीवित होकर, यीशु मसीह में जीवित होकर, एक नया जीवन पाकर, एक नया जन्म पाकर जो है हम बाहर आते। यह है बत्तीसवें का जो अर्थ है यहां पर लिखा। और विशेष बात क्या है, मसीह में मरना और गाड़े जाना तथा मसीह के साथ जी उठना, यह विशेष बात है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम अपने पाप और अपराधों के द्वारा क्या थे, हम मुर्दे थे। क्या लिखा हुआ है, हम अपने पाप और अपराधों के द्वारा मुर्दे थे, कुलुसियों 2:13। और मुर्दे को हमेशा दफन किया जाता है, ध्यान करिएगा, इसलिए कुलुसियों 2:13 को ध्यान से सुनिए। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ चलाया और हमारे साथ अपराधों को क्षमा किया। हम पाप के कारण, हम बुराइयों के कारण हम मुर्दे थे, अपराधी थे, हम मुर्दे थे, हम मरे हुए के समान थे। और किसी भी मुर्दे को जो है वो दफन किया जाता है, यानी हम पानी में जब जाते हैं, डूब जाते, तो हम दफन हो गए यीशु मसीह के साथ। ये क्योंकि, क्यों यीशु मसीह के साथ दफन हो गए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर दफन हो गया, उन चीजों को, उन पापों को, उन अपराधों को, जिसने हमें मुर्दा बना के रखा हुआ था, यीशु मसीह दफन हो गया। और उसने वहीं दफन करके जब वो जीवित हुआ तो हम भी उसके साथ जिलाए गए और हम जीवित हुए और हमने नया जीवन जो है वो पाया है, परमेश्वर का वचन जो है वो बताता है। वचन की आवाज जो है, देखिए वचन की आवाज जो है मुर्दों के लिए क्या है, इसलिए इफिसियों 5:14 पद में क्या कहता है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। ध्यान करें, बत्तीसवां मजाक नहीं है। बत्तीसवें का मतलब है कि हम मर गए, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है हमने दफन कर दिया है। अब हम जब जीवित होते हैं यीशु मसीह में, तो यीशु मसीह भी कहता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। हमें मुर्दों में से, क्योंकि आज जो है अपराधों के कारण लोग मुर्दे बने हुए हैं, बुराई के कारण मुर्दा है, मरे हुए के समान, एक डेड बॉडी के समान, चलती हुई डेड बॉडी जिसमें सड़ांध भरी हुई है, बदबू आ रही है, वो है। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। और फिर क्या कहता है परमेश्वर, कहता है मत्ती 3:16 पढ़ेंगे, जल में उतरना और जल में से बाहर आना। यहां लिखा, और यीशु बत्तीसवां लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। पानी में से, यानी पानी के अंदर था वो, छींटे में अंदर नहीं होंगे। अगर किसी को मैं पानी का छींटा मारूं
तो वो अंदर नहीं होगा, या झंडे के नीचे आप पानी के अंदर नहीं है, पानी में उतरना है। यीशु मसीह पानी में से बाहर आया। और क्या लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 38 और 39 पद में लिखा है, दोनों जल में उतर पड़े और जल में से निकल कर ऊपर आए। मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं, दोनों जल में उतर पड़े यानी जल के अंदर गए। वो कहता ना कि अब यहां तो अथा जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। और दोनों जल में उतर पड़े और जल में से निकल कर ऊपर आए। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बता रहा है। ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर का वचन जो है मुझसे और आपसे बात क्या कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो डूबना है हमें, वो पानी का जो बपतिस्मा, जो एक ही बपतिस्मा है, वो डुबकी का बपतिस्मा है और कोई भी बपतिस्मा नहीं है। चर्चा इसके बारे में करेंगे कि बड़ों का होना चाहिए या छोटा का होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। मगर इस बात को सीख ले, ये जो पानी का बपतिस्मा है, ये जो है ये डुबकी का ही बपतिस्मा है और यही लेना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इसके डुबकी के द्वारा हम दफन होते हैं और उन पानी में से जब आते हैं तो हम जीवित। एक बात मैं आपको और समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन जो है, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं आपको पता होगा कि परमेश्वर का वचन जो है वो डुबकी के बपतिस्मे के बारे में बातचीत करता है कि डुबकी का बपतिस्मा जो है वो डुबकी का ही है, पानी में जाकर डुबकी लगाकर ही बपतिस्मा लेना है। और वही जो है यीशु मसीह के साथ गाड़े जाने और दफन होने को और जी उठने का प्रतीक भी है वो। और यूनानी जो शब्द है आया है, यूनानी शब्द बैप्टिजो जो शब्द आया है डूबना, उसका भी अर्थ वही लगता है, यानी डूबना ही है। ये तो क्लियर है, बिल्कुल कोई इसमें विवाद वाली बात या बहस वाली बात नहीं है। परंतु वाद और विवाद वाली बात जब पैदा होती है कि दो चीजें हैं यहां पर। पहली चीज कि बच्चों का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात कि हम जो बपतिस्मा ले रहे हैं किस नाम से ले रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लेना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह के नाम से लेना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा के नाम से लेना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं, मैं इसको सबसे लास्ट में क्लियर करूंगा कि क्या बच्चों का बपतिस्मा होना चाहिए और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर हम बपतिस्मा जो लेते हैं वो किस नाम से लेते हैं। क्योंकि अभी अगर इसको बीच में क्लियर करूंगा तो बहुत सी चीजें जो हैं बपतिस्मे को लेकर अलग थलग पड़ जाएंगी। मैं बपतिस्मे को एक सीरियल वाइज लेना चाहता हूं कि जो चार प्रकार के जो बपतिस्मे बाइबल में दिए गए हैं, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा और मृत्यु का बपतिस्मा, पहले इनकी डीप जानकारी प्राप्त कर लें, इनके बारे में जो है अच्छे से सीख लें, जान लें। उसके बाद जो हमारे इस बपतिस्मे को लेकर तीन पार्ट बने हैं, परंतु चौथा जो पार्ट हम बनाएंगे, चौथा पार्ट में क्लियर करेंगे कि बच्चे का बपतिस्मा होना चाहिए या नहीं, पहली चीज, और दूसरी चीज इस बात को भी क्लियर करेंगे कि किस नाम से होना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।